डियर स्टारियन, आज हम इवोल्यूशन चैप्टर आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले इस चैप्टर को डिस्कस करने के पहले देयर आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म, सो उस टर्म के बारे में ही हम लोग समझें। तो आज इस लेक्चर में जो इवोल्यूशन से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको आज हम लोग डिफाइन करेंगे, क्लियर करेंगे, और फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट में इस चैप्टर को हम डिटेल में आपको इसको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इवोल्यूशन में कुछ जो हेडिंग्स दिए हैं या फिर कोई जो टर्म्स दिए हैं उनके बारे में हम लोग देखें। सबसे पहले एक टर्म दिखा है क्वेसर वेट। व्हाट इज़ क्वेसर वेट? सो क्वेसर वेट इज अ प्रोटीनीसियस कोलाइडल पार्टिकल, और अकॉर्डिंग टू ए आई ओ पैरिन, जिन्होंने मॉडर्न थ्योरी दिया था या थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन दिया था, उन्होंने कहा कि क्वेसर वेट्स दे आर द प्रोटीनीसियस कोलाइडल पार्टिकल बट दे डोंट हैव लिपिड मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लिक एसिड, सो इट कैन नॉट रिप्लीकेट। और इन्होंने बताया इट वॉज द फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो क्वेसर वेट्स क्या है? तो आप कहेंगे प्रोटीनीसियस पार्टिकल है और ये कोलाइडल पार्टिकल है। तो अब देखते हैं सेकेंड, एटाविज्म। एटाविज्म ये इविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन में दिया गया है, और एटाविज्म मतलब होता है सडन अपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल करेक्टर, मतलब दोज करेक्टर विच इज़ प्रेजेंट इन देयर एंसेस्टर बट नॉट देयर पेरेंट। जैसे कोई ऐसा बेबी हो जिसमें टेल हो जाए, तो बेबी में टेल होना ये बताता है कि उनके एंसेस्टर में तो टेल था बट उनके फादर या उनके पेरेंट्स में टेल नहीं था, तो ये एंसेस्टर करेक्टर है। इसी तरह रसिया में एक लॉयन बेबी है जिसके देयर आर डेंस हेयर ऑन द बॉडी, उसकी बॉडी लॉयन की तरह थी, जिसको लॉयन बेबी भी कहते हैं, ये भी एक शो करता है कि एंसेस्ट्रल करेक्टर है बट नॉट पेरेंटल। इसी तरह से अगर कोई ह्यूमन है उसका ईयर अपना ईयर मूव कराना शुरू करे, तो ईयर मूव तभी करेगा क्योंकि उसका जो ऑरिकुलर मसल है फंक्शनल हो जाए, और ये सारे फीचर्स हैं उनके एंसेस्टर में थे बट नॉट इन पेरेंट्स। इसी तरह से लॉन्ग कैनाइन टूथ, अगर लॉन्ग कैनाइन टूथ है तो ये भी एंसेस्ट्रल करेक्टर है, पेरेंटल नहीं है। तो इस तरह से एटाविज्म मतलब सडन अपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल करेक्टर नॉट पेरेंटल, और ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद एक है बायोजेनेटिक लॉ। देखिए बायोजेनेटिक लॉ इसको हीकल एंड मुलर ने दिया था, और बायोजेनेटिक लॉ इसमें उन्होंने बताया, इसको रिकैप्टुलेशन थ्योरी भी कहते हैं, इसमें इन्होंने बताया ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। इसका मतलब ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ऑन्टोजेनी मीन्स होता है डेवलप इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड फाइलोजेनी मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ फाइलम और इवोल्यूशनरी ट्रेंड। सो ये कहते हैं कि जब कोई एनिमल अपना इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करता है तो उसमें वो ऑल जो फाइलोजेनी करेक्टर है वो सारे फीचर्स जो है उसको रिपीट करता है, यानी ड्यूरिंग इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दे रिपीट ऑल देयर फिजियोलॉजिकल इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। दैट्स व्हाई ही से दैट द ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, और इसको हम लोग बायोजेनेटिक लॉ कहते हैं। नेक्स्ट है पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। व्हाट आर द फॉसिल्स? फॉसिल्स आर द रेमिनेंट ऑफ एक्सटिंक्ट फॉर्म। अब जैसे कोई हार्ड पार्ट है किसी एनिमल का, जैसे बोन है, टीथ है, या फिर कुछ एनिमल में स्केल्स होते हैं, ठीक है, नेल्स हैं, स्केल्स हैं, तो ये जो हार्ड पार्ट्स हैं इनका जो रेमिनेंट्स बचता है इसी को फॉसिल्स कहते हैं, और इसकी स्टडी को पैलियंटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ पैलियंटोलॉजी जो है लिनाडो डी विंसी को कहते हैं, और फादर ऑफ मॉडर्न पैलियंटोलॉजी क्यूवियर को कहते हैं। अब इसके बाद एक टर्म है अडेप्टिव रेडिएशंस। देखिए अडेप्टिव रेडिएशन टर्म भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में बताया गया है। इसमें जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स आर अडेप्टेड फॉर वेरियस मोड ऑफ लाइफ। जैसे मैमल्स एक ग्रुप है बट इसके बहुत सारे एनिमल अलग अलग लाइफ में अलग अलग कंडीशंस में रहने के लिए अडेप्टेड हैं। तो ये शो करता है कि इसमें कॉमन एंसेस्टर से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हुई, जो कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को बताता है। इसमें एक साइंटिस्ट ऑसबॉर्न थे, उन्होंने अडेप्टिव रेडिएशन को डिफाइन किया और कहा कि मैमल्स आर अडेप्टेड फॉर वेरियस मोड ऑफ लाइफ। जैसे आप कह सकते हैं मंकी पेड़ पे रहता है, आर्बोरियल हैबिट्स शो करता है, इसी तरह से बैट है वो एरियल हैबिट्स शो करता है, फिर इसी तरह वेल है जो पानी में रहती है एक्वाटिक हैबिट है, सील है जो एम्फीबियस हैबिट है, रैट है फसोरियल हैबिट्स शो करते हैं, और इसी तरह हॉर्स है कर्सोरियल हैबिट्स शो करता है। तो ये सारे मैमल्स हैं बट दे आर अडेप्टेड फॉर वेरियस मोड ऑफ लाइफ, दैट शो द अडेप्टिव रेडिएशन विच ऑल्सो फेवर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बिकॉज इट शो द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन।
अब एक टर्म है होमोलॉजी। देखिए होमोलॉजी में होमोलॉगस ऑर्गन की स्टडी करते हैं, और व्हाट आर द होमोलॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन के बारे में बताया गया है कि दोज ऑर्गन विच आर सिमिलर इन फंडामेंटल स्ट्रक्चर और ओरिजिन बट दे मे बी डिफरेंट इन फंक्शन, बट फंक्शन में भी सेम और डिफरेंट, मतलब इनकी ओरिजिन या बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर वो सेम होना चाहिए बट उनका जो फंक्शन है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, और ये भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं जो कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में को सपोर्ट करता है। तो होमोलॉजी मतलब है कि ओरिजिन सेम होना, फंक्शन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल बताएं, ह्यूमन का हैंड और मंकी का हैंड, दोनों की ओरिजिन सेम है और दोनों का फंक्शन भी क्या है, सेम है। बट इसी तरह से ह्यूमन का हैंड और हॉर्स का फोर लिम, दोनों की ओरिजिन सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है, क्योंकि हॉर्स दौड़ने में हेल्प करेगा और ह्यूमन अपने हैंड से किसी चीज़ को पकड़ने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे फंक्शन सेम हुआ बट सॉरी, इसमें हम लोग होमोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे कि इनका जो स्ट्रक्चर है या फंक्शन है वो सेम है, बट फंक्शन सेम भी हो सकता है और स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, यानी ओरिजिन सेम होनी चाहिए, फंक्शन सेम या डिफरेंट भी हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल इवोल्यूशन की। पैरेलल इवोल्यूशन ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में एक टाइप बताया गया है। पैरेलल इवोल्यूशन शो करता है व्हेन कॉमन एडेप्टेशन सीन इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप, जैसे बहुत ही क्लोज रिलेटेड ग्रुप है और उसमें कॉमन एडेप्टेशन देखते हैं, तो ये पैरेललिज्म को शो करता है। जैसे मान लीजिए मैमल एक ग्रुप है और मैमल्स में वेल है जो पानी में तैरती है और डॉल्फिन है पानी में तैरती है, तो दोनों तैरना फंक्शन सेम हुआ यानी एडेप्टेशन सेम हुआ, और दोनों मैमल्स हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड ग्रुप हैं, तो ये पैरेललिज्म को शो करेंगे। इसी तरह से मार्सुपियल रैट एंड यूथीरियल रैट, ये दोनों मिट्टी खोदने का काम करते हैं और दोनों मैमल्स हैं, तो इनका फंक्शन सेम हो गया और दोनों क्लोजली रिलेटेड ग्रुप हैं, तो पैरेलल इवोल्यूशन शो करेंगे। अगर यही होता कि फंक्शन सेम होता, एडेप्टेशन सेम होता बट वाइडली डिफरेंट ग्रुप में होता, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता। जैसे वेल पानी में तैरती है और रोहू मछली भी पानी में तैरती है, ये दोनों इनका एडेप्टेशन सेम है स्विमिंग करना, बट ये दोनों वाइडली डिफरेंट ग्रुप के हैं, एक वेल है और एक फिशेज हैं, तो एक मैमल्स है एक फिशेज है, दोनों वाइडली डिफरेंट ग्रुप है और यहाँ पे फंक्शन सेम हुआ, दैट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और यही जब क्लोजली रिलेटेड ग्रुप में कॉमन एडेप्टेशन शो करता है तो ये पैरेललिज्म को शो करता है। आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करता है। अब इसमें कह रहा डिफरेंस, अब डिफरेंस आप जाइए कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में। देखिए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में जब इनकी ओरिजिन सेम हो, इनकी ओरिजिन जो है डिफरेंट होती है और अडेप्टेशन सेम होता है, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, यानी कि ये एनालॉगस ऑर्गन को शो करते हैं। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में ओरिजिन सेम होना चाहिए और इनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर ओरिजिन सेम है बट ये अडेप्टेड है वेरियस मोड ऑफ लाइफ के लिए, यानी वेरियस अडेप्टेशन के लिए, तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, जो कि होमोलॉगस ऑर्गन या मैमल्स जो हैं वो अडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं, तो ये वो भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में क्या हुआ, कन्वर्जेंट में इनकी ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन क्या है, सेम है, जो कि होम एनालॉजी को शो करता है। इसी तरह डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में व्हेन कॉमन एंसेस्टर, कॉमन ओरिजिन है बट इनके अडेप्टेशन डिफरेंट है, तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, जो कि होमोलॉगस ऑर्गन शो करता है। अब नेक्स्ट डिफरेंट कह रहा है कि माउल्ड्स एंड कास्ट। देखिए फॉसिल से बनते हैं माउल्ड एंड कास्ट में क्या होता है, जब कोई फॉसिल्स है और वो बहुत सालों से पड़ी रहती है किसी भी हार्ड सरफेस पे, तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि उसके जो सॉफ्ट टिश्यू हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और उसके जो हार्ड टिश्यू है से बोन्स है या मिनरल्स हैं, ये मिनरल बॉडी उस रॉक के ऊपर एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं, इसको माउल्ड कहते हैं। यानी जो उनका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है उस फॉसिल्स का या जो हार्ड पार्ट है उसकी वजह से जो इम्प्रेशन बनता है उसको माउल्ड कहते हैं। अब एक कास्ट क्या है, कास्ट में क्या है कि अगर कोई ऐसे एक एनिमल, मान लीजिए डेड बॉडी पड़ी है, डेड हुआ है,
तो कई सालों के बाद उसके उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे सैंड या मिनरल्स आके डिपॉजिट हो जाएंगे और वो रॉक के ऊपर एक इम्प्रेशन देंगे, इसको हम लोग कास्ट कहेंगे। तो कास्ट का मतलब ये होता है कि मिनरल बॉडी डिपॉजिटेड अराउंड द डेड ऑर्गेनिज्म विच मेक इम्प्रेशन ऑन रॉक, दैट इज कॉल्ड कास्ट। तो कास्ट में उस एनिमल का मिनरल से इम्प्रेशन नहीं बनता बल्कि बाहर के सैंड और इसके पार्टिकल से इम्प्रेशन बनता है। तो ये डिफरेंस हो गया माउल्ड एंड कास्ट में। माउल्ड उस एनिमल के हार्ड बॉडी से, हार्ड पार्ट से इम्प्रेशन बनना, और कास्ट से जो बाहर से मिनरल्स या सैंड डिपॉजिट होगा उसकी वजह से। अब एक टर्म है ए बायोजेंसिस एंड बायोजेंसिस। ए बायोजेंसिस, देखिए ए बायोजेंसिस का मतलब लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, दैट इज कॉल्ड ए बायोजेंसिस। और इसको थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन भी कहते हैं या थ्योरी ऑफ ए बायोजेंसिस भी कहते हैं। इसको एरिस्टोटल प्लाटो ने दिया था एंड वॉल हैनमॉन ने सपोर्ट किया था। और इन्होंने कहा लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर और सिमिलर फॉर्म, यानी नॉन लिविंग मैटर से लाइफ ओरिजिनेट होती है, इसको थ्योरी ऑफ ए बायोजेंसिस कहा गया। और एक है थ्योरी ऑफ बायोजेंसिस। बायोजेंसिस का मतलब लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम लिविंग मैटर। देखिए थ्योरी ऑफ ए बायोजेंसिस को डिस्कार्ड किया था तीन साइंटिस्ट ने, एक फ्रांसिस्को रेडी थे और एक दूसरे साइंटिस्ट थे स्प्लेंजानी और तीसरे थे लुइस पाश्चर। इन्होंने कहा कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम लिविंग मैटर ओनली। तो ये थ्योरी ऑफ ए बायोजेंसिस को डिस्कार्ड करके और ये बताया कि लिविंग मैटर से लाइफ ओरिजिनेट होती है, तो इसको थ्योरी ऑफ बायोजेंसिस कहते हैं। अब इसके बाद है इसमें कुछ डिफरेंट फॉसिल्स के बारे में बताया गया है। आर्कियोप्टेरिक्स, देखिए आर्कियोप्टेरिक्स क्या है। आर्कियोप्टेरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है आर्कियोप्टेरिक्स, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर रेप्टिलियंस हैं, कुछ बर्ड्स के हैं। जैसे इसमें एक लॉन्ग टेल होती थी, इसमें नंबर ऑफ वर्टिब्री 20 होती थी, तो ये लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्री होना रेप्टिलियन कैरेक्टर है। इसके बॉडी पे स्केल्स होता था और इसके बीक के अंदर जो है टीथ होते थे, टीथ होना भी रेप्टिलियन कैरेक्टर है। और इसमें बीक होता था, फेदर्स होते थे, तो ये बर्ड्स लाइक होती हैं, तो इसलिए ये बर्ड्स